शिक्षार्थियों नमस्कार। आज के इस शैक्षिक वार्ता में हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर जो शिक्षा संकाय में कार्यरत हैं डॉक्टर सोमू सिंह। आज हम इनसे जिस विषय पर वार्ता करने जा रहे हैं वह विषय है शिक्षण अधिगम के शिक्षक केंद्रित उपागम। सोमू सर, आप इस विषय पर आज हम लोग इस वार्ता में बातचीत करेंगे। तो इस वार्ता में बातचीत करने के लिए जो सबसे मौलिक और सबसे मूल प्रश्न उठ के खड़ा होता है वह है कि शिक्षक केंद्रित उपागम है क्या? निश्चित रूप से हमारे जो शिक्षार्थी हैं उनके मन में यह भी प्रश्न हो सकता है कि शिक्षक केंद्रित उपागम क्या है। इससे पहले हम ये स्पष्ट समझें कि शिक्षण क्या है और अधिगम क्या है, उस पर बहुत अधिक समय न लेते हुए हम उसको स्पष्ट कर दें। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना, दूसरे को सीखने में मदद करना, या यूँ कहें कि उसके सीखने में वृद्धि करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। और अधिगम की अगर बात की जाए तो अधिगम व्यवहार में आया हुआ एक परिवर्तन है जो या तो अनुभव से या प्रशिक्षण से या दोनों से आता है। ये एक तरह से आदतों का, ज्ञान या अभिवृत्तियों का अर्जन है जिसे हम कहते हैं एक्विजिशन। एक शब्द और इसमें आ रहा उपागम, अप्रोचेस। अप्रोचेस के बारे में अगर हम देखें उसका संदर्भ, शिक्षण लें, शिक्षण के संदर्भ में उपागम से तात्पर्य अवधारणाओं के ऐसे समुच्चय या विचारधारा से है जिसमें यह चर्चा होती है कि व्यक्ति सामान्यतया किस प्रकार सीखता है। उपागम के अंतर्गत ही शिक्षण विधियाँ आती हैं। वस्तुतः शिक्षण विधि उपागम का ही अनुप्रयोग है। विधि के अंतर्गत शिक्षण प्रविधियों को सम्मिलित किया जाता है। अब हम अपने प्रारंभिक शिक्षकों के से ये चर्चा करना चाहेंगे कि जो अप्रोचेस की जब बात आती है कि अप्रोचेस कितने प्रकार की हैं, तो उसका उसकी जो श्रेणियाँ तय की गई उसका मुख्य आधार जो बना वो जो कक्षा के महत्वपूर्ण पहलू हैं वो मुख्य रूप से तीन पहलू हैं। पहला शिक्षार्थी, दूसरा शिक्षक और तीसरा विषय, या जिसे हम कह सकते हैं विषय वस्तु। तो इसमें सबसे जो जरूरी एलिमेंट है, जो तत्व है, हमारा शिक्षार्थी। तो हमारे सारे प्रारंभिक शिक्षक जो प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हमारे प्रशिक्षणार्थी 6 से 14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को शिक्षण प्रदान कर रहे हैं वो। दूसरा शिक्षक, हमारे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो कार्यरत शिक्षक हैं वो। और तीसरा विषय वस्तु, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले समस्त विषय, उसको ही केंद्र में रखते हुए शिक्षण कार्य होता है। इन तीनों जो पहलू हैं या तत्व कहें, इनके आधार पर ही विद्यार्थी केंद्रित उपागम, शिक्षक केंद्रित उपागम या विषय केंद्रित उपागम की बात की जाती है। उपागम हम समझें, हम अपने शिक्षार्थियों के समक्ष एक परिस्थिति का उल्लेख करते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय है, उसमें कक्षा 5 के बालक बालिकाएं अलग अलग पंक्ति में बैठी हैं। आप लोग कल्पना कीजिए, या आपके अनुभव में भी ये बात होगी, वे अपने शिक्षक श्री राजेश कुमार द्वारा पर्यावरण विषय पर की जा रही व्याख्या ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और विद्यार्थी शिक्षक द्वारा बताए जा रहे महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट भी कर रहे हैं। राजेश ने कुछ विद्यार्थियों को आपस में बातचीत करते सुना और टोकते हुए उन्होंने हिदायत दी कि शांतिपूर्वक बैठिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। व्याख्या के बीच में कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने की कोशिश की गई। शिक्षक ने कहा कि आप लोग प्रश्न अभी ना पूछें, प्रतीक्षा करें, आपको प्रश्न के उत्तर बाद में दिए जाएंगे। व्याख्या समाप्त हुई। व्याख्या के दौरान शिक्षक ने बहुत सारे तथ्यों को, मुख्य बातों को, सिद्धांतों को स्पष्ट किया और अंत में बच्चों के प्रश्नों का उत्तर दिया और कुछ बच्चों से प्रश्न पूछकर उनकी गलतियों को सुधारा और सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों की प्रशंसा भी की। तो एक ऐसी शिक्षण परिस्थिति है, आपके संज्ञान में होगी, आपके अनुभव से जुड़ी होगी। एक ऐसी दूसरी परिस्थिति की आपसे हम चर्चा करें। आप कल्पना करें कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है और उसमें कक्षा 7 के विद्यार्थी अपनी शिक्षिका सुश्री सिमरन द्वारा ऊष्मा संचरण की विधियों पर आधारित प्रयोग प्रदर्शन को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। विद्यार्थी शिक्षक द्वारा बताए जा रहे परिवर्तनों का निरीक्षण कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें निरीक्षण की बात इसलिए आ रही है क्योंकि प्रयोग का डेमोंस्ट्रेशन हो रहा है और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर रहे हैं। सिमरन ने फिर देखा कि कुछ विद्यार्थी
आपस में बातचीत करने लगे तो उन्होंने टोका और उन्होंने कहा कि ध्यान पूर्वक प्रयोग देखिए और मेरी व्याख्या सुनिए। तो प्रयोग प्रदर्शन के दौरान कुछ जिज्ञासाएं निश्चित रूप से आती हैं विद्यार्थियों के मन में, उन्होंने पूछने की कोशिश की। शिक्षक ने फिर उनसे कहा कि आप प्रतीक्षा करिए, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। प्रयोग प्रदर्शन समाप्त होने पर उन प्रश्नों के उत्तर दिए गए और कुछ प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों की गलतियों को सुधारा भी गया। और जहाँ तक पुनर्बलन की बात है, बच्चों को प्रोत्साहित करने की बात है, वो भी सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। तो यहाँ आप दोनों ही परिस्थितियों में आप ये देखेंगे कि जो शिक्षण अधिगम परिस्थिति है उसमें जितनी भी क्रियाएं संचालित हो रही हैं, संपादित हो रही हैं, उस उन सब पर नियंत्रण किसका है। तो आप आसानी से समझ पाएंगे या आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें शिक्षक का ही नियंत्रण है, शिक्षक की ही भूमिका इसमें केंद्रीय है। चाहे वो पहली परिस्थिति हो जिसमें वो व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें उसने व्याख्यान के माध्यम से तथ्यों को, सिद्धांतों को प्रस्तुत किया पर्यावरण विषय पर, या दूसरी परिस्थिति है जिसमें उसने विज्ञान के संप्रत्यय पर प्रयोग प्रदर्शन किया, उसने दिखाया कि ऊष्मा किस तरीके से एक सिरे से दूसरे तरफ सिरे तक उसका स्थानांतरण होता है। बहुत से प्रयोग आप लोग करवाते भी होंगे, आपने देखा भी होगा कि ऊष्मा संचरण के प्रयोग में हम विद्यार्थियों के सामने गर्म पानी, खोलते हुए पानी के भगोने में एक चम्मच डाल के उनसे कहते हैं कि आप देखिए चम्मच का एक सिरा गर्म है, धीरे धीरे दूसरा सिरा भी गर्म होता है। तो बच्चे देख रहे हैं, इस तरह की परिस्थितियां आपके संज्ञान में हैं। दोनों परिस्थितियां मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि आप देखें कि इसमें जो तरीका है शिक्षण का, उसके केंद्र बिंदु में क्या क्या बातें हैं क्रियाओं में। तो निश्चित रूप से अब आप इसमें ये सामान्यीकरण कर सकते हैं, ये आप कह सकते हैं कि ये जो शिक्षक केंद्रित उपागम है, ये विद्यार्थियों को सिखाने का ऐसा तरीका है जिसमें शिक्षक मुख्य रूप से सक्रिय होकर विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों, संप्रत्ययों या क्रियाकलापों का मौखिक प्रस्तुतिकरण करता है या प्रदर्शन उसका करता है। मुख्य रूप से इसमें जो मुख्य बात यह है कि शिक्षण अधिगम परिस्थिति में जितनी भी क्रियाएं हैं उनका आयोजन और उनका संपादन, उसकी जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। और शिक्षण की जो बागडोर जिसे हम कहें, वो शिक्षक के हाथ में होती है। तो यही है हमारे शिक्षक केंद्रित उपागम, जिनमें शिक्षक केंद्रीय भूमिका में रहता है और शिक्षक को माना जाता है कि वो ज्ञानवान व्यक्ति है, वो जो है तथ्यों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकता है, उनकी व्याख्या कर सकता है। बहुत ही बेहतर तरीके से आपने दो उदाहरणों के माध्यम से हमें बताया कि आखिर शिक्षक केंद्रित उपागम का तात्पर्य क्या है, इसका संप्रत्यय क्या है। और यह आपने ठीक तरीके से समझाया हमें कि शिक्षक किस तरीके से केंद्रीय भूमिका में रहकर किसी भी संप्रत्यय को विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। अब अगला प्रश्न जो सामान्यतया मेरे मन में और विद्यार्थियों के मन में भी आ रहा होगा, वह कुछ इस तरीके का है कि आखिर शिक्षक केंद्रित उपागम की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, किन विशेषताओं के आधार पर हम यह आइडेंटिफाई करेंगे कि यह एक शिक्षक केंद्रित उपागम है। तो सर आपसे अनुरोध है कि इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो जहाँ तक हम बात करें शिक्षक केंद्रित उपागम की विशेषताओं में पहली जो मुख्य विशेषता है कि इसमें जो ज्ञान का संचरण है, जिसे हम कहें ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, वो शिक्षक से विद्यार्थी की तरफ होता है। मैंने पहले भी इस बात को कहा, शिक्षक को माना जाता है कि वो अधिक अनुभवी व्यक्ति है, वो मैच्योर्ड है, उसे अपने विषय का ज्ञान है, उन तथ्यों की, संप्रत्ययों की, सिद्धांतों की, क्रियाकलापों की बेहतर समझ है। वो उस ज्ञान को, उस समझ को, उन कौशलों को अपने विद्यार्थियों तक पहुंचा सकता है, चाहे वो अपनी मौखिक प्रस्तुतियों के माध्यम से पहुंचाए या उसको प्रयोग, जिसमें प्रयोग वह स्वयं संपादित करेगा, कंडक्ट करेगा, उसको विद्यार्थी देख करके सीखें। तो जो ज्ञान का संचरण है वो शिक्षक से विद्यार्थी की तरफ इसमें परिलक्षित होते हुए दिखाई देता है। दूसरी इसकी जो विशेषता है, जिसमें हम कहते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या है, इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो केंद्र बिंदु है वो शिक्षण है, या जिसे हम कहते हैं अनुदेशन, वो है। इसमें अधिगम केंद्र बिंदु में नहीं है, शिक्षक को शिक्षण करना है एक निर्धारित विषय वस्तु पर
यही शिक्षक की मुख्य चिंता रहती है कि हमें इस निर्धारित समय में इस विषय को इन विद्यार्थियों को पढ़ाना है, समझाना है। तो निश्चित रूप से ये एक अप्रोच की बात है कि इसमें हम केंद्र बिंदु में शिक्षण या अनुदेशन को ही रखते हैं, इस पर ध्यान कम जाता है कि क्या अधिगम हो रहा है, कितना हो रहा है। और एक और विशेषता इसकी है कि शिक्षक का पूरा ध्यान विषय वस्तु को पूरा करने पर रहता है कि इस पाठ में क्या टाइटल था, उस टाइटल के हिसाब से पूरे पाठ में कितनी विषय वस्तु को, कितने प्रकरणों को, कितने सिद्धांतों को कवर किया जाना है, यही उसके संज्ञान में रहता है शिक्षण करने के दौरान। एक महत्वपूर्ण मसला आता है कि विषय का चुनाव या विधियों का चुनाव कैसे होता है। तो जो हमारे शिक्षक केंद्रित उपागम हैं, इनमें विषय का चुनाव शिक्षक द्वारा ही किया जाता है कि उसे क्या पढ़ाना है। दूसरा है विधियों का चुनाव या विधियों का निर्धारण कि शिक्षण करते समय हम किस विधि को अपनाएं और एक विधि अपनाएं या कई विधियों का मिश्रण करें, ये चुनाव भी शिक्षक द्वारा ही किया जाता है। और उसमें औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाता है कि एक हमारे कक्षा के जो अधिकांश विद्यार्थी हैं इस विधि से आसानी से समझ सकते हैं या इस विषय वस्तु के इर्द गिर्द हमने अपना व्याख्यान तैयार करना है। और दूसरा है इसमें कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को और उनकी रुचियों को अधिकांशतः नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उसमें शिक्षक जिसे उचित समझता है, जिस क्रम को उसे उचित समझता है, उस क्रम से ही उस विधि को अपनाते हुए उसका प्रस्तुतीकरण करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आप इस बात को, आप हमारे शिक्षार्थी समझ पा रहे होंगे कि शिक्षक में इसमें केंद्रीय भूमिका में है विषय का निर्धारण, विधियों का चुनाव को अगर हम देखें। अब अगर हम बात करें विद्यार्थी की, विद्यार्थी किस भूमिका में रहता है, शिक्षक केंद्रित जितने भी उपागम हैं उनका स्वरूप ऐसा है, उनकी प्रकृति ऐसी है कि विद्यार्थी उसमें निष्क्रिय श्रोता के रूप में बैठा रहता है, क्योंकि टीचर कंटेंट डिलीवर कर रहा है, टीचर हमारा जो व्याख्यान दे रहा है उसको सुनना है, या किसी चीज़ को टीचर ने कहा कि आप रिपीट करिए या अपनी पुस्तक में देखकर पढ़िए, तो एक रीडर की भूमिका हो गई, उसको सुनना है और कुछ उसको रिप्रोड्यूस करना है एक तरह से हम कहें। तो उसके पास ये सक्रिय होने के बहुत कम विकल्प रहते हैं, ज़्यादातर उसे ध्यान देना है। शिक्षक ने कहा कि ध्यानपूर्वक सुनिए, मैंने क्या कहा, मैंने अभी सिद्धांतों की चर्चा की, मैंने अभी प्रक्रिया की चर्चा की, तो विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता के रूप में इसमें रहता है। इसी से जुड़ी हुई एक और विशेषता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की जो सहभागिता है, जो पार्टिसिपेशन है, वो भी अन्य उपागमों की तुलना में बहुत कम रहता है। बहुत कम स्कोप रहता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अपनी भी कुछ भूमिका अदा कर सकें। उसको आप इस रूप में समझ सकते हैं कि आपने भी देखा होगा अधिकांश शिक्षक अपने विद्यार्थियों को इतनी फ्रीडम या कहें स्वतंत्रता नहीं देते हैं, अवसर नहीं देते हैं कि वो प्रश्न पूछें। उनको डिमोटिवेट किया जाता है, या तो कह दिया जाता है कि पहले मेरी व्याख्या समाप्त होने दीजिए, आप व्यवधान पैदा कर रहे हैं, बाद में आपके उत्तरों को हम आपके उत्तर देंगे, या कह दिया जाता है कि तुम्हारा प्रश्न ही उचित नहीं है, किस तरह का आप प्रश्न पूछते हैं। तो जो जिज्ञासा प्राकृतिक है जब आप कोई व्याख्यान दे रहे हैं, तो यह स्वाभाविक प्रक्रिया है कि विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासा आएगी, उनके मन में प्रश्न होंगे, या उनके मन में यह बात भी होगी कि इस व्याख्या से जुड़ा अपना एक अनुभव हम शेयर करें, अपने शिक्षक के समय अपने अनुभव को भी हम सम्मिलित करें। तो इस तरह की सहभागिता करने के अवसर बहुत कम प्राप्त होते हैं। तीसरा, संवाद परिचर्चा की हम बात करें, विचार विनिमय की बात करें, ये अवसर बहुत कम है कि वो कक्षा में अपने सहयोगी या जिसे कहें साथी विद्यार्थियों के साथ चर्चा कर सकें। ऐसे अवसर या तो देखें, हम व्याख्यान विधि में भी आपको बहुत कम देखेंगे, प्रदर्शन के भी दौरान उनको सारा ध्यान केंद्रित करना है कि जो प्रदर्शन चल रहा है प्रयोग का उस पर। तो जो आपस में चर्चा होनी चाहिए दो विद्यार्थियों के बीच में या तीन विद्यार्थियों के बीच में, उसके अवसर बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि टीचर कहता है कि मुझे सुनिए। जैसे हमने परिस्थितियों की चर्चा की दोनों की अपने चर्चा के आरंभ में, उसमें ये स्पष्ट रूप से मैंने दिखाया कि
शिक्षक हस्तक्षेप करता है कि आप मुझे सुनिए या प्रयोग ध्यानपूर्वक देखिए, तो इस तरह के अवसर कम हैं। जबकि आप देखते होंगे कि हमारा जो NCF है वो कहता है कि हमारे विद्यार्थियों के अनुभवों को पाठ्यचर्या से जोड़ें, उनकी बातों को भी सम्मिलित करें, उनको लगे कि हम जो जानते हैं उसी में कुछ हमारे गुरुजी हमारे शिक्षक जोड़ना चाहते हैं, उसी से संबंधित कोई बात को और अच्छे तरीके से स्पष्ट करना चाहते हैं, तो इसके अवसर कम रहते हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन पूर्णतया शिक्षक पर निर्भर है रहता है। शिक्षक की क्षमता, उसकी दक्षता, उसका अनुभव और उसके पूर्वाग्रह का प्रभाव पड़ता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण मसला है और शिक्षक अगर बहुत अच्छा है, अनुभवी है और पूर्वाग्रह से रहित है तो उसकी कक्षा आप देखेंगे बेहतर तरीके से प्रबंधन आप वो कर पाता है। और ये भी एक महत्वपूर्ण मसला है कि वो सारी जिम्मेदारी इसमें शिक्षक की ही मानी जाती है, शिक्षक केंद्रित उपागमों में। अनुशासन व्यवस्था और नियंत्रण की अगर हम बात करें तो वो भी शिक्षक नियंत्रित है। शिक्षक तय करता है कि हमें क्या निर्देश, हमें किन निर्देशों का पालन करना है। निर्देशों का अनुपालन का संदर्भ सीधे हमारे शिक्षार्थियों से है। कक्षा में वो अपेक्षा रखता है कि हमारे विद्यार्थी ओबीडियंट रहें, आज्ञाकारी रहें, और जो ज़्यादा ओबीडियंट है, आज्ञाकारी जो बच्चे हैं उनको अच्छा अनुशासन की माना जाता है कि अनुशासन प्रिय विद्यार्थी है। शिक्षक ने जैसा कहा, जैसा निर्देश दिया, वैसा अनुपालन उसको दिख रहा है तो वो अच्छा मानता है उस विद्यार्थी को। शिक्षक केंद्रित उपागमों में अभिप्रेरण के या मोटिवेशन के जो बाह्य रूप हैं जिनमें प्रशंसा, पुरस्कार या दंड, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। जितने भी हमारे शिक्षक केंद्रित उपागम हैं इनमें जो आंतरिक रूप हैं उनके उन पर कम ध्यान दिया जाता है जिसमें अभिरुचि है। इसकी अगर हम बात करें शिक्षण विधियों की, इस उपागम के अंतर्गत व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि या कुछ और भी क्रिया आधारित विधियाँ हैं, जिनमें क्रिया आधारित विधियों में दोनों तरह के उपागम आ जाते हैं। जहाँ शिक्षक केंद्रीय भूमिका में रहता है वहाँ शिक्षक केंद्रित हो जाता है, और जो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग है जहाँ पर स्टूडेंट सेंटर में रहता है, ग्रुप्स में काम करता है, तो वहाँ वो स्टूडेंट सेंटर्ड या इसे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में हम उसको रखते हैं। लेकिन कुछ क्रियाविधि आधारित शिक्षण ऐसे भी हैं जिनको हम शिक्षक केंद्रित उपागमों में रखते हैं। तो ये कुछ विशेषताएँ ऐसी हैं जिन पर हमने चर्चा की, जिससे स्पष्ट रूप से आप उसका स्वरूप समझ पाएंगे कि शिक्षक केंद्रित उपागम क्या है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने इतने सरल और सहज तरीके से शिक्षक केंद्रित उपागम जैसे क्लिष्ट और कठिन विषय को एक एक करके, एक एक उदाहरण के द्वारा हमारे शिक्षार्थियों तक पहुंचाया। इसके बाद सर, जो अगला प्रश्न हमारे मन में भी आता है और शिक्षार्थियों के मन में भी अवश्य आ रहा होगा कि आखिर शिक्षक केंद्रित उपागम की ये सब यदि विशेषताएँ हैं तो शिक्षक केंद्रित उपागम की आवश्यकता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। तो हम आपसे यह अपेक्षा रखते हैं कि आप इस पे भी जरा हमारे शिक्षार्थियों को बताएं कि इसकी उपयोगिता क्या क्या है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जी, शिक्षक केंद्रित उपागम की उपयोगिता की अगर हम चर्चा करें तो हमने पहले भी कहा कि एक अधिक अनुभवी व्यक्ति से कम अनुभवी व्यक्ति तक यह सूचना या यूं कहें ज्ञान पहुँचाने का लाभदायक और आसान तरीका माना जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल आप देखेंगे बहुतायत में मिलता है। दूसरा है कि बहुत सारे संप्रत्यय ऐसे हैं जिनका स्वरूप अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं और जिनसे हमारे विद्यार्थी अपरिचित भी होते हैं, उनकी समझ बनाने में उपयोगी है, उनसे परिचय कराने में। जैसे होता है ना, इंट्री लेवल पे कुछ एक प्राइमरी इन्फॉर्मेशन अगर विद्यार्थियों को मौखिक व्याख्यान से या प्रदर्शन से दिया जाए तो उसको फिर आगे चलकर विद्यार्थी आसानी से समझ पाता है, तो उन सारे संप्रत्ययों की समझ विकसित करने में यह उपागम उपयोगी माना जाता है। कुछ विषय ऐसे हैं जिनका स्वरूप ऐसा है जहां अमूर्त संप्रत्यय बहुत अधिक हैं। सामाजिक विषयों के शिक्षण में इस उपागम की जो विधियां हैं उनका इस्तेमाल आप देखते होंगे कि बहुतायत में देखने को मिलता है। जो हमारे सामाजिक विषय हैं जिसमें इतिहास है, जिसमें हमारे राजनीति शास्त्र है और भी ऐसे विषय हैं जहाँ पर शिक्षक केंद्रित उपागम प्रचलन में हैं, उसकी वजह यही है। जहाँ तक वैज्ञानिक विषय हैं
उनसे जुड़ी कुछ बातें ऐसी हैं जैसे बहुत सारी हानिकारक वस्तुओं का प्रयोग होता है, ऐसी रसायन हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है, अगर उसको बच्चा हैंडल कर रहा है तो हानियां भी हो सकती हैं। तो वहाँ शिक्षक की केंद्रीय भूमिका आवश्यक मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है कि वैसी वस्तुओं के बारे में प्रारंभिक समझ बनाने में, उन उपकरणों से परिचित कराने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये उपागम महत्वपूर्ण माना जाता है, काफ़ी उपयोगी माना जाता है। ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे स्कूल जहाँ विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है, कक्षाओं का आकार बहुत बड़ा है, वहाँ पर यह उपागम उपयुक्त माना जाता है। ऐसा एक कक्षा में 100 से अधिक विद्यार्थी हैं, 70 हैं, 80 हैं, आप सभी के अनुभव में ये बातें होंगी, तो शिक्षक के लिए आसान तरीका होता है कि वह अपनी बात को मौखिक तरीके से प्रस्तुत करे। ये हो सकता है कि अपनी व्याख्या के दौरान सरल तरीके से संप्रत्ययों को स्पष्ट करे, उदाहरणों का प्रयोग करे, व्याख्या बहुत प्रभावशाली रखे, लेकिन बड़ी कक्षाओं में आप देखेंगे अधिकांशतः आपको शिक्षक केंद्रित उपागम का इस्तेमाल ही होते हुए दिखाई देगा। बहुत सी विद्यालयों में प्रयोगशाला नहीं है तो सारे बच्चों को प्रयोगशाला में प्रयोग करने के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, तो शिक्षक अपनी केंद्रीय भूमिका में रहकर समस्त विद्यार्थियों के समक्ष उस प्रयोग का प्रदर्शन करता है तो उनके उनकी समझ में आता है कि हाँ, प्रयोग में क्या क्या वैज्ञानिक पक्ष हैं, क्या क्या प्रक्रियाएँ हैं, क्या क्या संप्रत्यय वैज्ञानिक उससे जुड़े हुए हैं। तो बड़ी कक्षाओं के लिए यह उपागम उपयुक्त माना जाता है। किस कक्षा स्तर के लिए उपयुक्त इसको माना जाता है, इन उपागमों को? तो अगर हम व्याख्यान की बात करें तो व्याख्यान उच्च शिक्षा स्तर के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। क्यों? उसके पीछे वजह है। उच्च शिक्षा में जो विद्यार्थी हमारे हैं, जो शिक्षार्थी हैं, या यूं कहें हमारे जो प्रशिक्षणार्थी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन सबका मानसिक विकास उच्च स्तर का रहता है, विकास हो चुका रहता है, तो बहुत सारी अमूर्त बातों को आसानी से समझ सकते हैं। उन प्रतीकों के माध्यम से उन पर अगर उनकी अनुपस्थिति में चर्चा की जाए, वस्तु नहीं भी है तो उसको आसानी से संकेतों में, प्रतीकों के माध्यम से व्याख्याओं को, संप्रत्ययों को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये उच्च माध्यमिक स्तर और उच्च शिक्षा स्तर के लिए अधिक उपयुक्त माने जाते हैं सारे उपागम। दूसरा, अन्य एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हमारे पास समय कम है और विषय वस्तु अधिक है, तो कम समय में अधिक विषय वस्तु का अगर शिक्षण करना है तो उसके लिए शिक्षक केंद्रित उपागम उपयुक्त माना जाता है। आप देख ही रहे हैं कि विषय वस्तु को पूरा कराने की, कोर्स को पूरा कराने की जिम्मेदारी शिक्षक पर रहती है, विद्यालय प्रशासन का या कहें मैनेजमेंट का दबाव रहता है कि कोर्स समय से पूरा हो जाए, जिससे समय से चीज़ें विद्यार्थियों को समझ में आ जाए, अभ्यास विद्यार्थी कर सकें। तो कम समय में अब अगर आप चाहेंगे कि एक्टिविटी कराएं, छोटे छोटे समूह बना दें, तो समय तो अधिक लगेगा। या अगर आप चाहें कि विद्यार्थियों को विद्यालय से स्थानीय समुदाय में भेजें, कुछ ऐसा सर्वे कराएं या कोई ऐसा प्रोजेक्ट दें, तो निश्चित रूप से समय तो लगेगा। तो ऐसा अगर है जहाँ समय कम है, तो कम समय में अधिक विषय वस्तु का शिक्षण अगर करना है, तो उसके लिए हमारा यह जो उपागम है बहुत उपयोगी साबित होता है। विषय वस्तु हो चुकी है और विषय वस्तु होने के बाद अगर रिवीजन कराना है, तो रिवीजन के लिए भी यह उपागम बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। हमारे शिक्षक इस उपागम के माध्यम से, उन्हें यह पता है कि किन किन शिक्षण बिंदुओं पर हमें रिवीजन के दौरान फोकस करना है, क्योंकि वह जानता है, उसने आकलन के दौरान ये देखा है कि हमारे विद्यार्थी कहाँ गलतियाँ करते हैं, उनकी गलतियों का क्षेत्र है क्या, उसी पर पुनः फोकस करते हुए वह रिवीजन कराता है, वह समझाता है, उसी पर अभ्यास कराता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हैं जिनसे हमारे जो शिक्षक केंद्रित उपागम है वो उपयोगी माना गया है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बड़े बेहतर तरीके से इस पूरे संप्रत्यय को हमारे सामने स्पष्ट किया। शुरुआत में तो हमें ऐसा लग रहा था कि आखिर यदि शिक्षक केंद्रित उपागम इतना ही टीचर सेंटर्ड है तो आखिर इसकी उपयोगिता क्या है, लेकिन जब धीरे धीरे आपने यह समझाने की कोशिश की हमें कि नहीं, इसकी उपयोगिता भारतीय संदर्भ में बहुत ज़्यादा है, जब बहुत बड़े क्लासरूम होते हैं या कोई ऐसा प्रयोग है जिसमें विद्यार्थियों को नुकसान हो सकता है, कोई रासायनिक प्रयोग है या कोई रसायन शास्त्र का प्रयोग है, तो इन संदर्भों में शिक्षक केंद्रित उपागमों की महती आवश्यकता हमारे संदर्भों में होती है।
इन सब चीज़ों को समझ लेने के बाद सर, मेरा जो आखिरी प्रश्न आपसे होगा वह यह होगा कि शिक्षक केंद्रित उपागम की आखिर सीमाएं क्या हैं? उपयोगिता हो गया, उसकी विशेषताएं हो गई, अब हम इनकी सीमाओं के बारे में आपसे जानना चाहते हैं सर। कहीं ना कहीं विशेषताओं के दौरान हमने अपने शिक्षार्थियों से चर्चा की कि ये विशेषताएं हैं, तो वहाँ सीमाओं के बारे में संकेत हैं। जैसे कहा जाए, इसके ऊपर सबसे बड़ा जो आरोप लगता है इस उपागम पर या इससे जुड़ी हुई विधियों पर, वो है कि ये काफ़ी सत्तावादी या तानाशाही वाला उपागम है। इसमें ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट रहता है क्लासरूम में, तथ्यों का आरोपण दिखाई देता है और जो अधिकम है अधिकांश परिस्थितियों में स्मृति आधारित हो जाता है। दूसरी इसकी जो सीमा है वो है कि इसमें वन वे कम्युनिकेशन है, एक दिशीय संप्रेषण है। हमने पहले भी कहा कि विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के अवसर बहुत कम हैं, संवाद के अवसर कम हैं, ये इसकी एक सीमा है। विद्यार्थी इसमें निष्क्रिय श्रोता के रूप में है, विद्यार्थी निर्भर हो जाता है शिक्षक पर, शिक्षक जो बताएगा वही नोट करना है, शिक्षक जो कह रहा है वही महत्वपूर्ण है, तो एक डिपेंडेंट हो जाता है विद्यार्थी शिक्षक पर। तीसरा है कि सहभागिता कम है, इसकी चर्चा मैंने पहले भी की, सहभागिता बढ़ाई जा सकती है, कई माध्यम हैं, लेकिन ऐसे स्कोप कम ही देता है शिक्षक केंद्रित उपागम में शिक्षक की बढ़ाई जाए। मूल्यांकन की अगर हम बात करें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए इसमें स्थान बहुत कम है, इसका मूल्यांकन योगात्मक प्रकृति का होता है। निम्न कक्षा स्तर के लिए यह उपागम अनुपयुक्त माना जाता है, क्योंकि विद्यार्थियों का जो मानसिक विकास है इस स्तर का नहीं होता है कि बहुत से अमूर्त संप्रत्ययों को उनके बारे में वास्तविक वस्तुओं को या रियल मॉडल्स को देख करके वो समझ सकें, तो ये उच्च कक्षा स्तर के लिए उपयोगी, हमने पहले बताया। इसमें सभी ज्ञानेंद्रियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल करने का अवसर नहीं रहता है। हमारी जो सुनने की ज्ञानेंद्रिय है ज़्यादा सक्रिय रहती है, या कुछ अगर शिक्षक दिखा रहा है या ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है उसको देखता है, करने के अवसर बहुत कम है। इसमें शिक्षक पर बहुत अधिक निर्भरता रहती है, शिक्षक अगर बहुत अधिक ज्ञानवान है, अधिक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है, कॉम्पिटेंट है, तो व्याख्यान अच्छा होता है, नहीं तो फिर उसी हिसाब से व्याख्यान की गुणवत्ता प्रभावित होती है। श्रवण बाधित और दृष्टिबाधित दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अनुपयुक्त है। जैसे हम चर्चा करें आपके व्याख्यान विधि की, तो व्याख्यान विधि हमारे श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए अनुपयुक्त है। अगर हम बात करें प्रयोग प्रदर्शन विधि की, तो वो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए अनुपयुक्त है। तो कुछ सीमाएँ हैं इस उपागम के साथ, जब विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान देना मुश्किल है, और इस उपागम में रुचि, सृजनात्मकता, चिंतन कौशल और आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करने में शिक्षक थोड़ा सा असमर्थ महसूस करता है, क्योंकि वो अपने विद्यार्थियों को संवाद के अवसर, प्रश्न पूछने के अवसर, अपना विचार रखने के अवसर, अनुभव जोड़ने का अवसर बहुत ही कम प्रदान करता है। तो ये सारी सीमाएँ हैं जिनसे आप ये समझ पाएंगे कि हमें कहाँ कहाँ सुधार करना है शिक्षक केंद्रित उपागम से जुड़ी शिक्षण विधियों से, अगर हम शिक्षण करना चाहते हैं तो ये सीमाएं हैं। इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए भी जहाँ जहाँ उपयोगी है वहाँ वहाँ शिक्षक केंद्रित उपागम प्रयोग में लाए जा रहे हैं। आप सभी प्रारंभिक शिक्षक जो शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं, आप सभी ने इस उपागम का भी उपयोग अपनी कक्षाओं में किया होगा, उसके तकनीकी पक्ष को आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। बहुत बहुत आभार सर आपका, आपने बहुत ही सहज, सरल और सुगम तरीके से शिक्षक केंद्रित उपागम के संप्रत्यय को, उसके विशेषताओं को और सबसे महत्वपूर्ण उसकी उपयोगिता तथा उसकी सीमाओं की व्याख्या की। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे जो शिक्षक हैं उनको यह पूरी वार्ता बहुत समझ में आई होगी और वो इसे पसंद करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अगले सत्र में हम फिर किसी नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।